पहली तस्वीर आपके सामने फ्रांस के टुलूज से। यहां पर वार्षिकला मशीन परेड का आयोजन हुआ और परेड में 14 मीटर का मिनोटोर और मकड़ी के आकार का ये रोबो मुख्य आकर्षण का केंद्र बने रहे। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। इंजीनियरिंग के इस आकर्षक प्रदर्शन को देखकर भी लोग हैरान रह गए। रोबो शो का मकसद दर्शकों के लिए विज्ञान, कला और संस्कृति का मिश्रण प्रस्तुत करना है। अब दूसरी तस्वीर अमेरिका से। अमेरिकी इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स डिजाइन कंपनी बोस्टन डायनेमिक्स ने यह अनोखा रोबो तैयार किया है। कुत्ते के डिजाइन का ये रोबो रिक्शा खींचता है और रिक्शा सवार की कमांड मिलते ही रोबो सड़क पर दौड़ने लगता है। Oh, look at him settle into it. Oh, buddy. Yes. My good man, to the market. तीसरी खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है। स्पीड ब्रेकर से अनियंत्रित होकर हवा में कार के उछलने का ये वीडियो वायरल है। वीडियो गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक कार बहुत तेजी से आई, स्पीड ब्रेकर से टकराई और इम्बैलेंस होकर हवा में उछल गई। कार करीब 10 फीट दूर सड़क पर नीचे आई। स्पीड ब्रेकर से पहले कोई भी निशान नहीं दिया गया, जिससे लोगों को पता चले कि आगे स्पीड ब्रेकर है। और चौथी तस्वीर यूपी के संभल से। संभल में निकाह में छुआरे को लेकर हंगामे की यह तस्वीर है। छुआरे लूटने को लेकर ही बारातियों में जमकर मारपीट हुई और लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां तक फेंकनी शुरू कर दी। शादी के हॉल में बारातियों के बीच इतनी मारपीट हुई कि पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस के आने के बाद और भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागते नजर आए। पांचवी तस्वीर केरल के कासरगोड की। मंदिर में बड़े हादसे की यह तस्वीर है। विराकावु मंदिर फेस्टिवल के दौरान पटाखों में आग लगी और पटाखों में आग लगने से 98 लोगों के घायल होने की खबर आई, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है। स्थानीय अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। लोगों के भारी भीड़ के बीच उत्साह के बाद धमाके की इन तस्वीरों ने लोगों को चौंका दिया। अब छठवीं तस्वीर रूस के मॉस्को की, जहां मॉस्को के नोवाया में सीवेज सिस्टम फट गया और सीवेज फटने से ही नाले का गंदा पानी 50 फीट ऊपर तक उछल गया। सीवेज सिस्टम फटने के कारणों का पता नहीं चल सका, लेकिन इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सातवीं तस्वीर भी रूस से है। रूस के उलियानोवस्क क्षेत्र में सिंक होल मिला है। इसे अब तक का सबसे गहरा सिंक होल बताया जा रहा है। कितना गहरा है ये फिलहाल अभी तक नहीं पता चल पाया, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इसकी गहराई 60 मीटर तक हो सकती है। अब रूस के स्टावरोपोल से आई ये तस्वीर देखिए। एक छोटे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की ये तस्वीर है। लैंडिंग के दौरान विमान सड़क पर बने पुल से टकराने से कैसे बाल बाल बचा देखिए। पायलट ने किसी तरह विमान को पुल से टकराने से बचाया और हाईवे पर लैंडिंग कराई। अब नौवीं तस्वीर को जरा और गौर से देखिएगा। ये हैरान कर देगी तस्वीर आपको। आपने इंसानों को तो सांस लेते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने पेड़ पौधों या फिर जंगल या जमीन को सांस लेते हुए देखा है? हो सकता है आपको एक बार भरोसा भी ना हो, लेकिन ऐसा एक अजीब अगरीब मामला सामने आया है और ये वही तस्वीर है। पेड़ पौधों के सांस लेने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दसवीं तस्वीर फिलीपींस से।
फिलीपींस के बोकोलोड में 45वें मास्कारा महोत्सव का आयोजन। और मास्कारा महोत्सव बोकोलोड में आयोजित होने वाला वार्षिक महोत्सव है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहाँ जुटते हैं। भारतीय सेना, नौसेना और एयरफोर्स में मेक इन इंडिया की ताकत बढ़ रही है, और कुछ साल पहले जो हथियार विदेशों से मंगाए जाते थे उनका निर्माण अब भारत में हो रहा है। बदलते युद्ध क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से नई तकनीक ईजाद की जा रही है, और देश में ही ऐसे ऐसे हथियार विकसित किए जा रहे हैं जो दुश्मन को चारों खाने चित कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में स्वावलंबन 2024 नाम की प्रदर्शनी चल रही है, और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने किया। स्वावलंबन 2024 में उन फ्यूचर वेपन्स का प्रदर्शन किया जा रहा है जो जमीन से लेकर समंदर और समंदर से लेकर आसमान तक दुश्मन को चौंका सकते हैं। जिन हथियारों का इस्तेमाल सुपर पावर देश कर रहे हैं, उन हथियारों को अब भारत में ही बनाया जा रहा है, और तीनों सेनाओं की जरूरत के मुताबिक घातक हथियारों में बदलाव भी किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय का प्रोजेक्ट है आईरिक्स, और इसी के तहत चुनी गई कंपनीज ने इस प्रदर्शनी में अपने हथियारों को भी प्रदर्शित किया है। रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल दुनिया के बड़े बड़े देश कर रहे हैं, और युद्ध भूमि में ये सैनिकों के ऐसे दोस्त होते हैं जो किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं। ये वजन ढो सकते हैं, जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर गोलियों की बौछार भी कर सकते हैं। अब रोबोटिक म्यूल को कैसे और घातक बनाया जा रहा है, देखिए संवाददाता अंजू निर्वाण की रिपोर्ट। हमारी आर्म फोर्सेस को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए और ऑपरेशंस में उनकी बढ़त बने, रोबोटिक आर्मी पर या रोबोटिक फोर्सेस पर लगातार काम किया जा रहा है। इस वक्त मेरे सामने आप ये जो सिस्टम देख रहे हैं, ये एक रोबोटिक म्यूल है, और इस रोबोटिक म्यूल की एक और बड़ी खासियत है, यानी कि इसे और भी ज्यादा अपग्रेड किया गया है। अब ये सिर्फ सर्विलांस के लिए नहीं, बल्कि ये एक अटैकिंग रोबोटिक म्यूल है। और जैसे हमारे सामने जो हमारे दुश्मन पड़ोसी देश हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या चीन की बात करें, तो चीन और पाकिस्तान लगातार जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और अगर ख़ासतौर से हम चीन की बात करें, तो चीन ने भी एक तरीके से एक रोबोटिक आर्मी अपनी तैयार की है। तो ऐसे में हमारी आर्म फोर्सेस को और भी ज़्यादा सशक्त और मजबूत करने के लिए एक इसी तरह की रोबोटिक फोर्स तैयार की जा रही है। और आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये जो म्यूल है, ये एक रोबोटिक म्यूल है, और आर्मी के हमारी जो नेवी है या हमारी एयरफोर्स है, उसके तमाम ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल ग्राउंड पर किया जा सकता है। भारत शक्ति एक्सरसाइज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एक्सरसाइज का हिस्सा बने थे, उस एक्सरसाइज में भी इस रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल किया गया था, और वहां पर इसने एक तरीके से अटैक करके दिखाया था कि कैसे ये तमाम ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए, बेसिकली ये एक म्यूल की तरह इसे डिजाइन किया गया है। इस पर सामान, इसके ऊपर जो है, इसके सरफेस पे कोई सामान या कोई पेलोड भी रखा जा सकता है, हथियार भी रखा जा सकता है। और साथ में अब क्योंकि इसे और ज्यादा अपग्रेड किया गया है, तो इस पर एक गन भी लगाई जा सकती है, यानी कि ये दुश्मन को टारगेट कर सकता है। अगर सामने कोई दुश्मन का हथियार है, तो ये उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो लगातार हमारी फोर्सेस को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। स्वावलंबन 2024 में दर्जनों स्टार्टअप कंपनीज ने भी अपने हथियार पेश किए हैं, और इनमें से ज्यादातर हथियारों का ट्रायल चल रहा है। बहुत जल्द ये भारतीय सेनाओं में शामिल हो जाएंगे। पुणे की एक स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया है इसे, देश का पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर वर्ग। इस खास हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है, और कई घंटों तक आसमान में रहने वाला ये हेलीकॉप्टर दुश्मन का काल है। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारतीय नौसेना को और भारतीय फोर्सेस को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, और एक से बढ़कर एक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त मेरे पीछे ठीक आप ये जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है, और ये इंडिया का पहला अपने आप में अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है। और उसका जो नाम है, ये जो सिस्टम है, इसका नाम वरुण, वरुणा यानी कि हवा से बात करने वाला, जो कि नेवी के ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देगा जो समंदर के बीचों बीच होंगे। और इसे ऑपरेट करने के लिए एक तरीके का एक अलग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, जहां से इसके ऑपरेटर्स जो हैं इसे ऑपरेट करेंगे। फोर्सेस के पास हथियारों को पहुंचाना हो, या फोर्सेस के लिए किसी तरीके से कोई मैसेज करना हो, या सर्विलांस करना हो, उन तमाम तरह के ऑपरेशंस को ये वरुणा जो है वो पूरा करेगा। और ये स्वदेशी हथियार है, और यहाँ पर मैं
आपको बता रही हूँ कि ये कैसे काम करता है। और इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ जो इस वरुणा के जो पूरी ये कंपनी बना रही है उसके जो सीईओ हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर ये जो सिस्टम वरुणा है ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैडम ये अनमैन्ड सिस्टम है, मानव रहित सिस्टम, जो ऐसे सेंसर्स इस पे उड़ते हैं और फिटेड हैं जो बड़े जहाज़ों में लगते हैं। अच्छा। तो उनसे इसकी कैपेबिलिटी है कि ये आईआर सेंसर जो रात को भी देख सकता है, नीचे आप देखेंगे तो मैरिटाइम पेट्रोल रेडार भी है, सिगेंट कॉमेंट ऐसे ऐसे अवजार लगे हैं और सेंसर लगे हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट रहेंगे। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी स्वॉर्म बोट जो समंदर के अंदर, समंदर के ऊपर और समंदर की सतह पर सर्विलांस का काम बखूबी कर सकती है। स्वॉर्म बोट मल्टीटास्किंग है, ये बोट मानव रहित है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके अंदर ऑपरेटर को भी बिठाया जा सकता है। तो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं अनमैन्ड ऑटोनोमस स्वॉर्म बोट्स, ऐसी बोट्स जो कि खुद पानी में चल सकती हैं, ऑपरेट हो सकती हैं और मिशन को अंजाम दे सकती हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनका डुअल इस्तेमाल हो सकता है। इसके अंदर एक जवान बैठ के इस डोर के जरिए अंदर जाके इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। और इसकी खास बात यह है कि इससे अटैक भी किया जा सकता है और सर्विलांस करने के लिए, एरियल सर्विलांस तक करने के लिए इसमें यहाँ पर एक ड्रोन को भी प्लेस किया जा सकता है। यानी कि मल्टीपल यूज इसके द्वारा किया जा सकता है। और खास बात इसकी एक ये भी है कि इसके द्वारा जो पानी के अंदर अंडर वाटर जो ड्रोन्स हैं उनको भी प्लेस किया जा सकता है और उनको भी ऑपरेशन की ज़रूरतों के लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी नेवी को और भी मजबूत करेगा। फिलहाल भारतीय नौसेना ने इसके 12 सिस्टम को जो है वो प्रिक्योर किया है। 10 खास तौर से 10 जो सिस्टम है वो नेवी अपने पास रखेगी। वहीं 2 ऐसे सिस्टम हैं जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी भी कर सकती है पेंगोन 100 में, क्योंकि भारत के सामने वहां पर चीन से चुनौती है और 160 किलोमीटर लंबी पेंगोन 100 झील है। तो वहां पे भी ये एक तरीके से ऑटोनोमस अनमैन्ड जो स्वॉर्म बोट्स है वहां पर इसका इस्तेमाल खास तौर से किया जा सकेगा। अनमैन्ड बोट है, सो अनमैन्ड बोट में सबसे खास बात ये है कि आप इसको दूर से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं और ये अपने आप एक ऑपरेशन कंप्लीट करके जा सकती है। जो पहले हमें इंसान को भेजना पड़ता था हार्म्स वे में, अभी वो इंसान हमारा सेफ वे में बैठ के इस वेसल को ऑपरेट कर सकता है। सो ये इसकी सबसे खास बात है। एट दी सेम टाइम ये ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए इसमें वेपन की काबिलियत है, वेपन पेलोड इसमें लगा हुआ है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज़ पर दी गाइडेंस ऑफ द यूज़र। साथ ही साथ ये सर्वेलेंस ऑपरेशन के लिए बहुत ही कारगर वेसल है, बहुत ही हाई स्पीड बोट है। सो किसी का पीछा करने के लिए हम इसको बहुत ही तेजी से दौड़ा सकते हैं। रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल दुनिया के बड़े बड़े देश कर रहे हैं और युद्ध भूमि में ये सैनिकों के ऐसे दोस्त होते हैं जो किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं। ये वजन ढो सकते हैं, जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर गोलियों की बौछार भी कर सकते हैं। अब रोबोटिक म्यूल को कैसे और घातक बनाया जा रहा है, देखिए संवाददाता अंजु निर्वाण की रिपोर्ट। हमारी आर्म फोर्सेस को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए और ऑपरेशंस में उनकी बढ़त बने रोबोटिक आर्मी पर या रोबोटिक फोर्सेस पर लगातार काम किया जा रहा है। इस वक्त मेरे सामने आप ये जो सिस्टम देख रहे हैं ये एक रोबोटिक म्यूल है और इस रोबोटिक म्यूल की एक और बड़ी खासियत है, यानी कि इसे और भी ज्यादा अपग्रेड किया गया है। अब ये सिर्फ सर्विलांस के लिए नहीं बल्कि ये एक अटैकिंग रोबोटिक म्यूल है। और जैसे हमारे सामने जो हमारे दुश्मन पड़ोसी देश हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या चीन की बात करें, तो चीन और पाकिस्तान लगातार जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और अगर खास तौर से हम चीन की बात करें तो चीन ने भी एक तरीके से एक रोबोटिक आर्मी अपनी तैयार की है। तो ऐसे में हमारी आर्म फोर्सेस को और भी ज़्यादा सशक्त और मजबूत करने के लिए एक इसी तरह की रोबोटिक फोर्स तैयार की जा रही है। और आप मेरे सामने जो देख रहे हैं
ये जो म्यूल है ये एक रोबोटिक म्यूल है और आर्मी के हमारी जो नेवी है या हमारी एयरफोर्स है उसके तमाम ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल ग्राउंड पर किया जा सकता है। भारत शक्ति एक्सरसाइज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एक्सरसाइज का हिस्सा बने थे उस एक्सरसाइज में भी इस रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल किया गया था और वहां पर इसने एक तरीके से अटैक करके दिखाया था कि कैसे ये तमाम ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए बेसिकली ये एक म्यूल की तरह इसे डिजाइन किया गया है, इस पर सामान, इसके ऊपर जो है इसके सरफेस पे कोई सामान या कोई पेलोड भी रखा जा सकता है, हथियार भी रखा जा सकता है और साथ में अब क्योंकि इसे और ज्यादा अपग्रेड किया गया है तो इस पर एक गन भी लगाई जा सकती है, यानी कि ये दुश्मन को टारगेट कर सकता है। अगर सामने कोई दुश्मन का हथियार है तो ये उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो लगातार हमारी फोर्सेस को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। स्वावलंबन 2024 में दर्जनों स्टार्टअप कंपनीज ने भी अपने हथियार पेश किए हैं और इनमें से ज्यादातर हथियारों का ट्रायल चल रहा है। बहुत जल्द ये भारतीय सेनाओं में शामिल हो जाएंगे। पुणे की एक स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया है इसे, देश का पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर वर्म। इस खास हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है और कई घंटों तक आसमान में रहने वाला ये हेलीकॉप्टर दुश्मन का काल है। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारतीय नौसेना को और भारतीय फोर्सेस को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और एक से बढ़कर एक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त मेरे पीछे ठीक आप ये जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ये एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है और ये इंडिया का पहला अपने आप में अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है और उसका जो नाम है, ये जो सिस्टम है इसका नाम वरुण, वरुणा यानी कि हवा से बात करने वाला, जो कि नेवी के ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देगा जो समंदर के बीचों बीच होंगे और इसे ऑपरेट करने के लिए एक तरीके का एक अलग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा जहां से इसके ऑपरेटर्स जो हैं इसे ऑपरेट करेंगे। फोर्सेस के पास हथियारों को पहुंचाना हो या फोर्सेस के लिए किसी तरीके से कोई मैसेज करना हो या सर्विलांस करना हो, उन तमाम तरह के ऑपरेशंस को ये वरुणा जो है वो पूरा करेगा। और ये स्वदेशी हथियार है और यहाँ पर आपको बता रही हूं कि ये कैसे काम करता है और इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ जो इस वरुणा के जो पूरी ये कंपनी बना रही है उसके जो सीईओ हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर ये जो सिस्टम वरुणा है ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैडम ये अनमैन्ड सिस्टम है, मानव रहित सिस्टम, जो ऐसे सेंसर्स इस पे उड़ते हैं और फिटेड हैं जो बड़े जहाज़ों में लगते हैं। अच्छा। तो उनसे इसकी कैपेबिलिटी है कि ये आईआर सेंसर जो रात को भी देख सकता है, नीचे आप देखेंगे तो मैरिटाइम पेट्रोल रेडार भी है, सिगेंट कॉमेंट ऐसे ऐसे अवजार लगे हैं और सेंसर लगे हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट रहेंगे। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी स्वॉर्म बोट जो समंदर के अंदर, समंदर के ऊपर और समंदर की सतह पर सर्विलांस का काम बखूबी कर सकती है। स्वॉर्म बोट मल्टीटास्किंग है, ये बोट मानव रहित है लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके अंदर ऑपरेटर को भी बिठाया जा सकता है। तो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं अनमैन्ड ऑटोनोमस स्वॉर्म बोट्स, ऐसी बोट्स जो कि खुद पानी में चल सकती हैं, ऑपरेट हो सकती हैं और मिशन को अंजाम दे सकती हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनका डुअल इस्तेमाल हो सकता है, इसके अंदर एक जवान बैठ के इस डोर के जरिए अंदर जाके इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। और इसकी खास बात यह है कि इससे अटैक भी किया जा सकता है और सर्विलांस करने के लिए, एरियल सर्विलांस तक करने के लिए इसमें यहाँ पर एक ड्रोन को भी प्लेस किया जा सकता है, यानी कि मल्टीपल यूज इसके द्वारा किया जा सकता है। और खास बात इसकी एक ये भी है कि इसके द्वारा जो पानी के अंदर अंडर वाटर जो ड्रोन्स हैं उनको भी प्लेस किया जा सकता है और उनको भी ऑपरेशन की ज़रूरतों के लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी नेवी को और भी मजबूत करेगा। फिलहाल भारतीय नौसेना ने इसके 12 सिस्टम को जो है वो प्रिक्योर किया है,
10 खासतौर से 10 जो सिस्टम है वो नेवी अपने पास रखेगी। वहीं 2 ऐसे सिस्टम है जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी भी कर सकती है पेंगोन 100 में, क्योंकि भारत के सामने वहां पर चीन से चुनौती है और 160 किलोमीटर लंबी पेंगोन 100 झील है, तो वहां पे भी ये एक तरीके से ऑटोनोमस अनमैंड जो स्वाम बोट्स है वहां पर इसका इस्तेमाल खासतौर से किया जा सकेगा। अनमैन बोट है, सो अनमैन बोट में सबसे खास बात ये है कि आप इसको दूर से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं और ये अपने आप एक ऑपरेशन कंप्लीट करके जा सकती है। जो पहले हमें इंसान को भेजना पड़ता था हार्म्स वे में, अभी वो इंसान हमारा सेफ वे में बैठ के इस वेसल को ऑपरेट कर सकता है। सो ये इसकी सबसे खास बात है। एट दी सेम टाइम ये ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए इसमें वेपन की काबिलियत है, वेपन पेलोड इसमें लगा हुआ है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज़ पर दी गाइडेंस ऑफ द यूज़र। साथ ही साथ ये सर्वेलेंस ऑपरेशन के लिए बहुत ही कारगर वेसल है, बहुत ही हाई स्पीड बोट है। सो किसी का पीछा करने के लिए हम इसको बहुत ही तेज़ी से दौड़ा सकते हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही मचाने वाला और युद्ध क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होने वाला कैमिकाज़ी ड्रोन अब भारतीय डिफेंस फोर्सेस में भी शामिल होने के लिए तैयार है। स्वदेशी रूप से विकसित कैमिकाज़ी ड्रोन की खासियत यह है कि इससे लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना लगता है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन उड़ान के बीच में लक्ष्य बदलने की भी क्षमता रखता है। देखिए अंजू निर्वाण की एक और रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा जो चर्चा में आए वो कामकाजी ड्रोन रहे। एक ऐसे ड्रोन जो कि अटैक कर सकते हैं एयर से और साथ ही साथ सरफेस से भी। आपको मैं यहाँ पर उसी तरह का एक ड्रोन सिस्टम जो है वो आपको मैं दिखा रही हूँ, और ये एक मल्टी बैरल लॉन्चर जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्वदेशी लॉन्चर है जिसे भारत में ही बनाया गया है, मल्टी बैरल लॉन्चर जो कि एक साथ 10 इस तरह के जो ड्रोन्स हैं जो कि अटैकिंग ड्रोन्स हैं उनको लॉन्च कर सकता है। और ये ठीक है हमारे सामने, आप ये जो ड्रोन देख रहे हैं एक तरह से अटैकिंग ड्रोन है। और अगर हम इसे आसान भाषा में, क्योंकि युद्ध हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में लड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर हम अगर अटैकिंग ड्रोन्स की बात करें तो इस तरह के कामकाजी जो ड्रोन्स होते हैं। सेना ने आतंक को कैसे अब टैंक से जवाब दिया। जम्मू के अखनूर में सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश में शामिल 3 आतंकवादी मारे गए हैं और मारे गए आतंकवादियों के शव रिकवर कर उनकी पहचान की कोशिश जारी है। सेना और सुरक्षा बलों के बीच करीब 27 घंटे तक मुठभेड़ चली। अखनूर सेक्टर में कल सुबह आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर गोलीबारी की और हमले में आतंकियों ने एक एम्बुलेंस को टारगेट किया। इसी हमले के बाद सेना की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सेना ने 4 BMP-2 टैंक यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को मुठभेड़ वाली जगह पर उतारा। सेना ने LOC के पास उस जगह टैंक को उतारा जहां आतंकी हमला हुआ। इसके साथ ही पारा कमांडो को भी तैनात किया गया। BMP-2 टैंक में 30 mm की स्वचालित तोप, 7.62 mm की मशीन गन और 4 km रेंज वाली एंटी टैंक मिसाइल लगी हुई है। अखनूर में चल रहे ऑपरेशन पर देखिए संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट। अखनूर के भट्टल इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों को ढेर कर लिया है। आज ऑपरेशन का दूसरा दिन था। 2 आतंकियों को आज ढेर किया गया, कल सुरक्षा बलों की तरफ से 1 आतंकी को ढेर किया गया। आपको बता दें कि कल तकरीबन 7:30 बजे के बीच सुबह आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के एक एम्बुलेंस पर फायरिंग की गई। गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है वो इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन अब बिग सक्सेस है सुरक्षा बलों के लिए क्योंकि 3 आतंकियों को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से ढेर किया गया है। इस समय मैं मौजूद हूं भट्टल के इलाके में। ये वही इलाका है जहां पर कुछ देर पहले तक फायरिंग होती रही। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी तरीके से इस इलाके में मोर्चा संभाला हुआ था। 3 आतंकियों की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को मिली थी और पूरे इलाके को घेरने के बाद 3 आतंकियों को अब सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से ढेर किया गया है। हालांकि अभी भी इस इलाके से आगे जाने की अनुमति नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इन 3 आतंकियों से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एमुनेशन ID जो है वो रिकवर की गई है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के एक साइलेंट वॉरियर जो है वो शहीद हुआ है।
वहीं लगातार इस तरीके के ऑपरेशन जो है सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है, ताकि जम्मू संभाग की अगर खास तौर पे बात की जाए, जितने भी आतंकी इन इलाकों में छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। वहीं कल जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के एम्बुलेंस वाहन पर फायरिंग की गई और उसके बाद मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और साथ में भारतीय सेना की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर पहुँचती है और इसी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती है। माना जा रहा है कि तीनों आतंकी जो है वो FT है। वहीं आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि बर्फबारी से ठीक पहले आतंकियों की जो घुसपैठ है वो करवाई जा सके, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों ने इन तीनों आतंकियों को ढेर किया है और बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू में इस एनकाउंटर में मानी जा रही है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए बट्टल से। आपको बता दें अखनूर के इस ऑपरेशन में एक खोजी कुत्ता फैंटम भी शहीद हो गया है। सुंदरबनी सेक्टर के आसन के पास हुए इस आतंकी हमले के दौरान सेना ने तलाशी अभियान शुरू किया और इसके बाद सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इसी मुठभेड़ के दौरान खोजी कुत्ते फैंटम को गोलियां लग गई और वो शहीद हो गया। इस आतंकी हमले पर जानकारी देते हुए व्हाइट नाइट कॉप्स ने एक्स पर पोस्ट किया, जैसे ही हमारे सैनिक आतंकवादियों के करीब पहुंच रहे थे फैंटम ने दुश्मन की गोलियों से सैनिकों का बचाव किया और दुश्मन की गोली लगने से उसकी मौत हो गई। 4 साल का फैंटम 12 अगस्त 2022 को आर्मी में पोस्ट किया गया था। फिलहाल ये तस्वीर उस वक्त की जब फैंटम इन्हीं ऑपरेशंस को कैसे अंजाम दिया जाएगा उसकी बाकायदा ट्रेनिंग लेता था। पाकिस्तान कोशिश करता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाए जा सकें और कई बार सेना की तरफ से आतंकियों की ड्रोन वाली साजिश को भी नाकाम किया गया है, लेकिन अब LOC पर सेना ने नया एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है जिसका नाम है MPCDS यानी कि मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम। देखिए संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। अक्सर पाकिस्तान ये प्रयास करता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार या हथियार जो है वो पहुंचाए जा सके। वहीं अब आतंकियों की ड्रोन वाली साजिश अब किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होगी, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में अब एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। इसका नाम है MPCDS यानी कि मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम। अगर दुश्मन किसी भी तरीके से यहाँ पर ड्रोन भेजता है तो ये वो एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसको भारतीय सेना की तरफ से डिटेक्ट किया जाएगा और पूरी तरीके से इसको यहाँ पर विफल किया जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए आतंकी जो है वो ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो भेजने का काम करते हैं। ये ड्रोन कैसे काम करता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक यहाँ पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसके जरिए यहाँ पर जो ये एंटी ड्रोन सिस्टम है वो चलता है। अगर कायर पाकिस्तान ये प्रयास करेगा कि ड्रोन के जरिए यहाँ पर हथियार भेजना तो उसको यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए पूरी तरीके से जाम किया जाएगा। यहाँ पर हम आपको सिस्टम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर लगातार ड्रोन की मूवमेंट को लगातार मॉनिटर जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। किस तरीके से ये काम करता है? सर ये एक मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम है। हाँ। इसकी रेंज 5 किलोमीटर है। यहाँ से 360 डिग्री 5 किलोमीटर में अगर कोई भी ड्रोन एक्टिविटी होती है तो हम उसको यहाँ मॉनिटर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने जैमर को ऑन करते हैं उस डायरेक्शन में और उसकी एक फोर्स लैंडिंग करा देते हैं, यानी कि उसका कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं और वो ड्रोन फिर वहीं पर एक फोर्स लैंडिंग करता है और अपने ऑपरेटर के पास वापस नहीं जा सकता है। तो ये पूरा कंप्यूटर के जरिए होता है सर? जी हाँ बिल्कुल, इसी के जरिए होता है। ये हमारे डिटेक्शन सिस्टम ऑन है और इसमें कोई भी ड्रोन अगर हमारे रेंज में आता है तो उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। अमेरिकी चुनाव के पहले सर्वे को लेकर अब खबर है। आपको बता दें सर्वे में कमला हैरिस पिछड़ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की रेस में अब आगे बताए जा रहे हैं।
7 स्विंग स्टेट में ट्रंप 5 राज्यों में आगे हैं। जबकि आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से लगातार किए जा रहे सर्वे के आधार पर दावे ये किए जा रहे हैं कि ली एसोसिएट इंटेल ने जो सर्वे किया है उसके आधार पर ये डेटा अब बता रहा है कि कमला हैरिस पिछड़ रही है। इस सर्वे के बारे में अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से ली एसोसिएट एरल इंटेल नाम की कंपनी के सर्वे की बात सामने आ रही है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 49% जबकि कमला हैरिस 47% के साथ फिलहाल पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि स्विंग स्टेट्स की यहां पर बात हर बार इसलिए की जाती है क्योंकि स्विंग स्टेट पर जिस तरीके से सर्वे के आधार पर इस वक्त डेटा सामने आ रहा है उसमें ये बाजी पलटती हुई नजर आ रही है, जहां एरिजोना के साथ साथ जॉर्जिया और मिशिगन के आधार पर सामने आया ये वो डेटा आपके सामने। साथ ही नेवाडा और नॉर्थ कैरोलिना के साथ साथ पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन का ये डेटा है जिसमें देखिए कि बहुत कम मार्जिन के साथ ही, क्योंकि यहां कमला हैरिस जहां 47.3% वहीं ट्रंप 47.6% के साथ आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि यहां देखिए कमला हैरिस को अगर नॉर्थ कैरोलिना में 47.1% डेटा के मुताबिक इनपुट मिल रहा है वहीं 48.5% बहुत कम मार्जिन के साथ ही यहां पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप स्विंग स्टेट्स में आगे बताए जा रहे हैं, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में 47.7% जबकि 48% ट्रंप उसके साथ आगे नजर आ रहे हैं, 47.7% विस्कॉन्सिन में जबकि 47.9% कमला हैरिस के फेवर में जाता हुआ यहां डेटा के मुताबिक इनपुट मिल रहा है। अब एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की क्या क्या नीतियां रहने वाली हैं इस पर सबकी नजर है, इसी बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद क्या क्या नीति और निर्णय लिए जा सकते हैं। अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो चीन के खिलाफ सख्ती को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है, और अगर कमला राष्ट्रपति बनी तो चीन के साथ बैलेंस बनाए रखने को लेकर उनके रुख की बात कही जा रही है। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो नेटो से निकलने का फैसला भी हो सकता है, और अगर कमला राष्ट्रपति बनी तो नेटो को मजबूत करने के संकेत उनकी तरफ से फिलहाल मिलते नजर आ रहे हैं। जबकि यूक्रेन की मदद जाहिर सी बात है अगर कमला राष्ट्रपति बनती है तो जारी रहेगी, जबकि ट्रंप का जो रुख यूक्रेन के प्रति सामने आया है माना यही जा रहा है कि यूक्रेन को रक्षा मदद में कमी देखने को मिल सकती है। जबकि मध्य पूर्व में नीति में बदलाव के संकेत ट्रंप की बयानबाजी के आधार पर लगाए जा रहे हैं, जबकि मध्य पूर्व की नीति में स्थिरता लाने की कोशिश कमला अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो कर सकती हैं, और जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर ठोस कदम उठाने की बात कमला हैरिस करती आई हैं, और क्लाइमेट पॉलिसी पर क्या असर होगा ये वाकई देखना होगा अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो। लेकिन ट्रंप और कमला हैरिस का भारत के साथ जिस तरीके से नजदीकी रिश्ता रहा है, आपको हम बताते हैं ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति भारत के हित में क्या क्या काम किए हैं। तो भारत के हित में ट्रंप ने आपको बता दें एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में मान्यता दी है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया, चीन के लिए सख्त रुख से भारत को फायदा, और ट्रंप और मोदी के बीच व्यक्तिगत स्तर पर भी जिस तरीके से मजबूत संबंध रहे हैं उसकी तस्वीर भी दुनिया देख चुकी है, क्योंकि ट्रंप और मोदी ने एक साथ हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश भी की थी और भारत ने हालांकि इसे अस्वीकार किया, कोविड-19 के दौरान वैक्सीन सहयोग पर भी दोनों ने मिलकर काम किया है। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, और अगर कमला राष्ट्रपति बनती हैं तो भारत के हित में वो क्या काम कर सकती हैं ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि भारत से संबंध होने से मुद्दों की अच्छी समझ उन्हें हो सकती है, यहां तक कि भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ गहरा जुड़ाव भी संभव है। हालांकि अमेरिकी विदेश नीति में भारत के महत्व का जिक्र वो पहले ही कर चुके हैं, और उपराष्ट्रपति बनने से अमेरिका में भारत का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ा है, भारत के साथ वैक्सीन कूटनीति पर भी जोर दिया जा चुका है, ईरान पर फिर हमला इसराइल करेगा और इसराइल की वॉर कैबिनेट ने हमले को लेकर मंजूरी भी दे दी है। आखिर क्यों इसराइल ईरान पर फिर हमला करने की तैयारी में है, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि नेतन्याहू के घर पर हमले का यह बदला लेगा इसराइल। 19 अक्टूबर को नेतन्याहू के घर पर हमले को अंजाम दिया गया, ड्रोन की मदद से नेतन्याहू के घर को टारगेट किया गया, इसराइल की कैबिनेट से अब हमले को लेकर मिली मंजूरी ही इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि कई घंटे की बहस के बाद कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है। ईरान पर बड़े हवाई हमले की तैयारी में इसराइल बताया जा रहा है। सुमित
अब ये तैयारी कैसी, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है, क्या ये सिर्फ एक महज प्रोजेक्शन थी कि खुद नेतन्याहू को सामने आकर ये कहना पड़ा कि अगर हम ईरान को टारगेट करेंगे तो न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स और ऑयल रिफाइनरीज टारगेट पर नहीं होंगी। लेकिन अब जो हमले की तैयारी को लेकर खबर आ रही है वो क्या है? देखिए, आपको याद होगा एक बात कही जाती है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। दरअसल इसराइल के हमले बिल्कुल वैसे ही थे। इसराइल ने भले ही उसके बारे में ज़्यादा प्रचार या फिर बातें नहीं कही हों, लेकिन वो स्ट्रैटेजिक आप कह सकते हैं कि अटैक्स थे। खास तौर पर कौन सी लोकेशंस में किए गए, इन अटैक्स के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर ईरान को हुआ है तो वो हुआ है उसके एयर डिफेंस मैकेनिज्म को। आप कह सकते हैं कि उनके जो पूरी की पूरी S-300 की बैटरीज थी या फिर जो उनकी खुद की एयर डिफेंस मैकेनिज्म थे बर्बाद कर दिए गए। उनकी जो फतेह मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी बर्बाद कर दी गई। यहां तक कि IRGC के लोकेशंस को टारगेट किया गया। तो आप मानिए इन अटैक्स के पीछे के मकसद या ऑब्जेक्टिव थे ना सिर्फ स्ट्रेटजिक लोकेशंस को, स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, बल्कि IRGC के मोराल को गिराना, उसको बताना कि हम देखिए कभी भी इस तरीके के आपके ईरान में घुसकर अटैक कर सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा उन्होंने जो मैसेज दिया वो ये प्रॉक्सीज को कि अगर आपने अभी भी अपने ऑपरेशंस को नहीं रोका तो देखिए इसराइल इसी तरीके से ना सिर्फ आप पर बल्कि आपके जो आप कह सकते हैं हैंडलर यार, आपका जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं सरगना है, उसके घर में घुसकर उसको अटैक कर सकता है। ईरान की भी तो अपने स्तर पर तैयारी है। क्या यही वजह है कि ईरान भी अब वीडियोस जारी करते हुए अपनी ताकत और अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि ईरान का इसराइल पर जवाबी हमले की तैयारी को लेकर भी खबर है और इसराइल पर पहले से बड़ा हमला करना चाहता है ईरान। ईरान ने अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की धमकी दी है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में इसको लेकर दावा क्या किया गया है, इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने। ईरान की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की धमकी को लेकर अब खबर सामने आई है। इसराइल को फिर से दहलाना चाहता है ईरान। 1 अक्टूबर की तरह बड़े हमले की तैयारी में ईरान बताया जा रहा है क्योंकि ईरान दावा यह कर रहा है कि सभी टारगेट की पहचान हो चुकी है। इसराइल पर अचानक ईरान का हमला होगा। ईरान की धमकी के मायने भी समझ लीजिए क्योंकि मध्य पूर्व में बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और युद्ध में कई और देश भी तबाह हो सकते हैं और जाहिर सी बात है दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और अब गाजियाबाद जिला कोर्ट में वकीलों के हंगामे की तस्वीर आपके सामने, क्योंकि जिला कोर्ट के जज के रूम के बाहर हुए हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि हंगामा कर रहे वकीलों पर ही पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। जिला कोर्ट के जज के रूम की ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि वकीलों का हंगामा जैसे ही शुरू हुआ उन्हें यहां से बाहर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जब वो इतने पर भी नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। यहां तक कि देखिए पुलिस वाले ने एक कुर्सी तक उठा रखी है। अब अंदर और बाहर की दोनों तस्वीरें आपके सामने। हंगामा काफी देर तक होता रहा। जिला कोर्ट में वकीलों के हंगामे की ये तस्वीरें गाजियाबाद से सामने आ रही हैं, जहां हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। अब जम्मू कश्मीर के गुरेज से बर्फबारी की तस्वीर सामने आई है। बांदीपुरा जिले के गुरेज की तुलैल घाटी के ऊपर इलाकों में आज बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से इलाके में सर्दी बढ़ गई है और गुरेज की तुलैल घाटी के ऊपरी इलाके में बर्फबारी के बाद इलाके की सुंदरता में और भी इजाफा हो गया है। ताजा बर्फबारी के कारण स्थानीय निवासी पर्यटक दोनों ही उत्साहित हैं। लोगों ने बर्फ में खेलने और बर्फ से ढके पहाड़ों का लुत्फ उठाया। घाटी का दौरा करना भी लोगों ने शुरू कर दिया है।